नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भगवान शनि महाराज की कृपा से अपने जीवन काल में बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे और बहुत ही आप लोग अपने जीवन काल में स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों हम आप सभी को बता दें दोस्तों कि आने वाले अगले 72 घंटों के भीतर आपकी ज़िंदगी नरक बना देगा शनि जी। दोस्तों मजाक में लेने की भूल बिल्कुल भी मत करना, वरना पूरी जिंदगी भर सर पटक कर रोना पड़ेगा जी। दोस्तों हम आप सभी को बता दें दोस्तों कि अब आप लोगों को चिंता करने की और डरने की बिल्कुल भी आवश्यकताएँ नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों यह जो घटना होने वाली है दोस्तों आपके जीवन में जो भी लोग आपके दुश्मन तत्व बने हुए हैं दोस्तों उनके साथ यह घटना इन 72 घंटों के भीतर होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों उनके पापों का घड़ा भर चुका है। उन्होंने आपको बहुत सता लिए हैं, उन्होंने आपको बहुत परेशान कर लिए हैं दोस्तों। अब उनके साथ इन 72 घंटों के भीतर जो होगा दोस्तों उसे देख कर आप सभी का रूह कांप उठेंगे जी दोस्तों, तथा आपके जीवन में जो भी बुरी शक्तियाँ आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने पर तुले हुए थे तो दोस्तों अब शनिदेव उनके लिए काल बनने वाला है, क्योंकि दोस्तों अब शनिदेव आपकी कुंडली के निम्न भाव में विराजमान होने वाले हैं, जिस कारण से शनिदेव की अद्भुत शक्तियां आपके जीवन को अब प्रभावित करने वाले हैं, तथा आपके जीवन में जो भी बुरे ग्रह दोष सालों से आपको परेशान करते हुए आ रहे थे, सालों से आपकी कुंडली में चलते हुए आ रहे थे, तो दोस्तों अब उनसे आप लोगों को पूर्ण रूप से मुक्ति मिलने वाले हैं जो दोस्तों। और अगले 72 घंटों के बाद से शनि का अद्भुत प्रभाव आपके ज़िंदगी में देखने को मिलेंगे और आप देख पाएंगे कि दोस्तों अब आपके दुश्मन रोते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि दोस्तों अब आपके दुश्मन के उल्टे गिनती शुरू होने वाले हैं और आपके दुश्मन के ऊपर अब शनिदेव का करारा प्रभाव पड़ने वाले हैं, जिनसे आपके दुश्मन अब यह समय रोते हुए दिखाई देंगे। वो दोस्तों जो लोग आपसे हमेशा जलते थे दोस्तों अब वो लोग और जलने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अब आपके तरक्की भगवान शनिदेव को जिस तरह से बढ़ा देंगे, जिन्हें देखकर आपसे जो लोग जलते थे दोस्तों अब वे लोग और ज़्यादा जलेंगे, लेकिन दोस्तों वे लोग आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे दोस्तों। अब अगले 72 घंटों के भीतर आपकी ज़िंदगी में ऐसा परिवर्तन होगा, ऐसा धमाका होगा कि दोस्तों जिन्हें देखकर आपको अपनी आँखों पर बिल्कुल भी यकीन और विश्वास नहीं होंगे जी हाँ दोस्तों। तो आज की वीडियो आप सभी जातकों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाए गए हैं, तो आज की इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें। दोस्तों हम आप लोगों को हर एक जानकारी बताएंगे कि आने पर इन 72 घंटों के भीतर भगवान शनि महाराज आप लोगों को कौन कौन से बड़े खुशखबरी देने वाले हैं, आप लोगों को किन किन क्षेत्रों में ऐसे में तरक्की होने वाली है, तो आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन होंगे, कौन से चमत्कार देखने को आपको मिलेंगे, और साथ ही इन 72 घंटों के भीतर आप लोगों को किन किन क्षेत्रों में लाभ की प्राप्ति भी होने वाली है, और ऐसे में आपका बिजनेस व्यापार, आपकी नौकरी, आपका स्वास्थ्य, प्रेम संबंध, आर्थिक स्थिति, घर परिवार का माहौल और विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहने वाले हैं, आप लोगों को इन क्षेत्रों में ऐसे में क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे दोस्तों, हम आपको हर एक जानकारियाँ पूरी सच और पूरी सटीक बताऊंगा, तो आज के इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें। तो आज दोस्तों बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। उससे पहले भगवान शनि महाराज के जो भी सच्चे भक्त हैं दोस्तों, इस वीडियो को अभी कभी अपने प्यारे हाथों से एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से प्रेम से जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें कि दोस्तों आपकी सारे के सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी और आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ हैं दोस्तों उनसे भी आप लोगों को ऐसे अचानक से मुक्ति मिलेंगी। तो आज दोस्तों बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आने वाले अगले 72 घंटों का समय आप लोगों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही लाभकारी समय लेकर आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इन 72 घंटों के भीतर आपके ज़िंदगी में अचानक से बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। यह बदलाव आप लोगों को कार्य क्षेत्र में और आप लोगों को यह बदलाव आपके नौकरी के क्षेत्र में दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इन 72 घंटों के भीतर आप लोगों को आपके कार्य क्षेत्र में आपका वह कार्य यह समय पूरा होने वाले हैं दोस्तों, जिस कार्य को आप
पूरे करने के लिए काफ़ी लंबे समय से परेशान थे, लेकिन दोस्तों आपका वह कार्य पूर्ण नहीं हो रहा था। तो इन 72 घंटों के भीतर अचानक से आपका वह कार्य अचानक से पूरे होंगे, जिन्हें देखकर आपका मन काफ़ी खुश और काफ़ी परेशान भी दिखाई देंगे। और दोस्तों जो लोग काफ़ी लंबे समय से नौकरी में प्रमोशन किए जा रहे थे, जो लोग नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे, तो दोस्तों उनके भी कामना या समय पूरे होने के योग बन रहे हैं। क्योंकि दोस्तों या समय आपके कुंडली के निम्न भाव में भगवान शनि महाराज जी विराजमान हो चुके हैं, जिस कारण से या समय आप लोगों को नौकरी के क्षेत्र में बड़ा प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आपको वो नौकरी या समय प्राप्त हो सकती है। दोस्तों जिस नौकरी को पाने के लिए आप काफ़ी लंबे समय से परेशान थे, वो दोस्तों अगर आपकी किसी प्रकार की समस्या अगर किसी व्यक्ति के साथ काफ़ी लंबे समय से चलता हुआ आ रहा था, तो दोस्तों वह परेशानी आपकी ज़िंदगी से ऐसे में दूर होंगी और आप दोनों ऐसे में एक साथ मिलकर खुश भी रहेंगे मिलेंगे। और दोस्तों आप सभी को बताना चाहेंगे कि दोस्तों अगर आप लोग काफ़ी लंबे समय से जो भी कार्य आप करना चाहते थे, दोस्तों जिस कार्य को आप सफल करने के लिए जो आप मेहनत और कोशिश करते हुए आ रहे थे, दोस्तों अब आपका इन 3 दिनों के भीतर वह भी कार्य अचानक से बढ़ेंगे, जिन्हें देखकर आपका मन या समय काफ़ी खुश और काफ़ी परेशान भी दिखाई देंगे। और आपने शायद कभी सपने में नहीं सोचे होंगे कि हमारे ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा बदलाव भी अचानक से हो सकते थे। और दोस्तों आप सभी को बताना चाहेंगे कि दोस्तों अगर जो लोग या समय को भी न्यू कार्य शुरू करना चाहते थे, तो दोस्तों वह लोग या समय नया कार्य शुरू कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों या समय आपके साथ भाग्य और किस्मत दोनों आपके साथ रहेंगे, जिस कारण से आप लोगों को उस कार्य में या समय बहुत ही लाभ प्राप्त होंगे और बहुत ही आपको उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होंगी। इसलिए आप या समय कोई भी नया कार्य बिल्कुल ही शुरू कर सकते हैं। दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही खास दिन रहने वाले हैं। दोस्तों ऐसा दिन आपको फिर दोबारा प्राप्त नहीं होने वाले हैं, तो ऐसे में आप 3 दिनों के भीतर कोई भी नया कार्य बिल्कुल भी प्रारंभ कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसे में छोटे भाई बहन के साथ विवाद आपके मानसिक कष्ट का बड़ा कारण भी बनेंगे, तो आपको इसमें सावधानी बरतने की आवश्यकताएं होंगी। और इसमें किसी के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा बनी बात भी आपके इसमें बिगड़ सकते हैं। दोस्तों आप इसमें अपनी वाणी पर जितना मधुरता रखेंगे, दोस्तों उतना ही आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध भी होंगी और उतना आप लोगों को ही लाभ प्राप्त होंगी। क्योंकि दोस्तों एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि दोस्तों तो मीठे बोल बोलने वालों की मिर्ची तक बिक जाती हैं और कड़वे बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकती हैं। तो आप लोगों के भी ज़िंदगी में ऐसे में कुछ ऐसे ही होने वाली हैं, तो ऐसे में आप लोगों के ऐसे में अपनी वाणी पर बहुत ही मधुरता और मिठास रखने की आवश्यकताएं होंगी। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों कार्य क्षेत्र में ऐसे में छोटी मोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे नज़रअंदाज कर देना ही आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे। दोस्तों जीवन में कोई कुछ करता है तो दोस्तों लोग उससे कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसी छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज कर देंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे। क्योंकि दोस्तों लोग तो कुत्ते की तरह आपके ऊपर भौंकते ही रहेंगे, आपको परेशान करते रहेंगे। अगर आप उसकी बातों का बुरा मानेंगे, अगर आप उससे बाउंस करेंगे, तो आप लोगों के लिए ही अच्छा साबित नहीं होगा। दोस्तों आप जितना उसकी बातों को नज़रअंदाज करेंगे दोस्तों उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर भी रहेंगे। और या समय करे और कारोबार के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, और यात्रा आप सभी के लिए बहुत ही खास और बहुत ही लाभकारी यात्रा साबित हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यात्रा के दौरान आप लोगों को ऐसे में कुछ ऐसे बड़े लाभ की प्राप्ति होंगे, जिनके बारे में आपने शायद कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। ओ दोस्तों यदि आप किसी के सामने काफ़ी लंबे समय से अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे थे, तो इसमें या समय जल्दबाजी करने से बचे और उचित समय आने पर ही आप अपनी बात कहें तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे, नहीं तो बनती बात भी इसमें आपकी बिगड़ सकती हैं। और दोस्तों पूर्व में चले आ रहे प्रेम संबंध भी इसमें प्रगढ़ता आएंगे और वे दोनों इसमें काफ़ी खुश भी दिखाई दे सकते हैं।